उस दिन हमने क्या बताया था कि हम देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं है राइट और फिर हमने ये भी बताया था कि जब शीशे में देखेंगे तो उसमें तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखेगी नहीं दिखेगी क्यों है आप देख हुई ही नहीं इसलिए आपको आपकी शकल कैसे दिख सकती पर जब हम शीशा सामने रखेंगे तो जो चेहरा है वो चेहरे का रिफ्लेक्शन तो बनेगा है ना इसी तरह से अगर हम कहें कि जीव क्या है तो जीव मतलब मुझ सच्चिदानंद का जब रिफ्लेक्शन मन बुद्धि में पड़ा मन बुद्धि को शीशा समझो राइट right? तो जैसे शीशे में एक छवि बन जाती है ना इसी तरह इस मन बुद्धि के शीशे में आत्मा के छवि को हम जीव कहते अच्छा एक बात बताओ अगर शीशा गंदा होगा तो छवि कैसी बनेगी वो भी गंदी और अगर शीशे में क्रैक्स होंगे तो छवि कैसी बनेगी क्रैक वाली और गंदी भी और क्रैक वाली भी है ना तो वो गंदी क्रैक वाली छवि हुई या बंदे का चेहरा छवि होती चेहरा खराब नहीं होता है ना चेहरा तो जैसा है वैसा है लेकिन जो छवि बनेगी वो उसमें क्या है आदमी की शकल प्लस शीशे का जो गुण होगा वो उसमें शामिल हो जाएगा तो शीशा क्रैक है तो फिर छवि भी क्रैक होगी शीशे पे मिट्टी होगी तो छवि में भी मिट्टी होगी और शीशा साफ नहीं होगा और तो फिर शक्ल भी जो उसमें दिखाई देगी अब कोई सोचे कि अरे मेरा तो मुंह फट गया उसने टूटा शीशा देखा तो उसको लगा है तो मेरा मुंह फट गया मेरा मुंह टूट गया मेरे मुंह पे मिट्टी है तो वो अपने मुंह को धोए धो के वापस गया शीशे में फिर देख पर फिर क्या दिखा फिर वही तो फिर किसी ने कहा कि अरे पागल तेरी शकल सही है ये तो शीशा गंदा है है ना इसी तरह से अब शरीर तो फिर दिखता है तो उसकी जो रिफ्लेक्शन जो छवि बनती वो भी दिख जाएगी परंतु आत्मा तो दिखता भी नहीं है तो फिर उसकी छवि भी एक्चुअली में तो दिखेगी नहीं तो हमें समझना पड़ेगा आ, अनुमान के साथ और इस चीज़ को हम ऐसे लेंगे कि आत्मा की ही छवि जब मन रूपी शीशे में पड़ी तो उसी का नाम जीव हो गया अब मन जैसा है वैसी छवि हो जाती अब सबके मन बिखरे हुए हैं कि एकाग्र जैसी हमारी शकल होगी शीशे में वैसी शकल नहीं दिख सकती अगर शीशा साफ नहीं होगा तो राइट तो शीशे में जैसा दिखा खराब वाला क्रैक वाला मिट्टी वाला शीशा तो शकल भी वैसी हो गई इसी तरह से जो मैं हूँ आत्मस्वरूप में तो हूँ सच्चितानंद परंतु ये जो मन बुद्धि वाला शीशा है इसमें तो गंदगी है ये तो इच्छाएँ वासनाएँ हैं ना इसमें इसलिए उसमें जो छवि बनती है वो वैसी नहीं बनती है जैसा असल में हमारा आत्मस्वरूप है तो ये जो छवि बनी ना इसी को जीव कहते तो छवि को कहेंगे जीव और ये किसकी छवि है आत्मस्वरूप की आत्म मतलब में मेरा शुद्ध में तो हम ये भी कह सकते हैं दो में होते एक अशुद्ध एक शुद्ध जो अशुद्ध में है उसी को जीव कहते हैं जो शुद्ध में है उसी को आत्मा कहते हैं